अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा कुकिंग शो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चिकन चीज बर्गर, झटपट बन जाने वाला और एक सीक्रेट ट्विस्ट के साथ। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर मिक्सिंग बाउल और उसमें हम एक प्याला डाल देंगे चिकन कीमा और इसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए दोस्तों, और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑरिगेनो। और इसमें अब हम लिए हैं यहाँ पर छोटा सा एक अनियन बारीक काट के, थोड़ा सा धनिया पत्ता है, दो हरी मिर्च लिया है मैंने दोस्तों, इसको हम डाल देंगे इसमें। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो यहाँ पर आप और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ डाल देंगे मेयोनीज, ये चिकन को बहुत सॉफ्ट बनाता है और बहुत अच्छा जूसी कीमा हमारा बन के यहाँ रेडी होता है। अब इसको हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। मिक्स हो गया है, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है हमारे कीमे का। तो अब यहाँ पर हम ढक के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया हमारा कीमा बना है। तो जो हमारा सीक्रेट ट्विस्ट था दोस्तों वो ये है। मैंने यहाँ पर लिया है 2 चीज़ क्यूब, इसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। देखिए दोस्तों बढ़िया सा दिख रहा है ना। अब इसको हम स्टफ करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल हाथों में लगाने के लिए। अब इसको हम हाथ में ऐसे लगा लेंगे और थोड़ा सा इसमें से हम कीमा लेंगे टिक्की बनाने के लिए। और इसको ऐसे पहले मैं मुठिया बना रही हूँ, इसी तरह आप भी बनाएं। और उसके बाद से इसमें हम थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे, इसमें हम चीज़ भरने के लिए। दोस्तों देखिए ऐसा चीज़ चिकन बर्गर बाहर भी नहीं मिलता है, तो आप अगर बनाएंगे तो घर में ये फटाफट से बना लें। इस तरह से देखिए कितना आसानी से हम स्टफ कर लिए। आप भी बनाएं दोस्तों, घर में बहुत तारीफ होने वाला है आपका ऐसे बना के। यहाँ पर मैंने 6 चिकन टिक्की तैयार कर लिया है स्टफ करके चीज़ को। अब इसमें हम लगाएंगे क्रम्स। तो क्रम्स लगाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक अंडा जिसको मैंने फेंट लिया है, और मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स जो मैंने खुद बनाया है। चिकन को ऐसे डिप करने से दोस्तों चिकन जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इजी कर दी हूँ रेसिपी को। तो इस तरह से आप चम्मच की सहायता से या फिर आपके पास ऐसा ब्रश है तो आप इससे लगा लें, बहुत ईजिली लग जाता है। अब इसमें हम लगा लेंगे क्रम्स, बहुत अच्छा से कोट करेंगे क्रम्स को। देखिए कितना अच्छा से हमारा क्रम्स इसमें लगा हुआ है, देखिए दोस्तों कितना बढ़िया से लगा हुआ है। इस तरह से मैंने तैयार कर लिया क्रम्स लगा के। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, तेल यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा गर्म है, आप भी तेल को बहुत गर्म रख के फिर टिक्की को डालें वरना क्रम्स निकल जाता है दोस्तों। फिर 1 मिनट बाद आप फ्लेम को लो कर दें, लो टू मीडियम कर दें, ताकि कीमा हमारा अच्छा से पक जाए अंदर तक। इस तरह से दोस्तों देखिए हमारा 5 मिनट हो गया यहाँ पर टिक्की बनाए हुए, खूब बढ़िया से बन गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रही हूँ दोस्तों कि अगर हमारा टिक्की गर्म हो तो इसमें हम चीज स्लाइस डालेंगे तो स्लाइस अपने आप बहुत अच्छा से मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बंस, बर्गर बंस, इसको मैंने बटर लगा के सेक लिया है। पहले इसमें हम लगाएंगे मेयोनीज। मैं यहाँ पर ली हूँ बर्गर मेयोनीज, आपके पास जो घर में मेयोनीज अवेलेबल है दोस्तों आप वही लगाएं, टेस्ट बिल्कुल वही आएगा। मैंने सारे बंस में ऐसे मेयोनीज लगा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो स्लाइस, फिर हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो सॉस थोड़ा जूसी बनाने के लिए। अब हमारा यहाँ चिकन टिक्की आ गया है जो स्टफ है, यहाँ चीज स्लाइस डाल के। अब हम अनियन डाल देंगे, अब इस पे से हम थोड़ा सा डालेंगे मेयोनीज। अब इसको बन से हम ढक देंगे, बन गया देखिए फटाफट से हमारा बर्गर, वो भी चिकन चिकन चीज स्टफ बर्गर दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार है दोस्तों, बिल्कुल आप भी मेरे रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करें और अपने फैमिली से खूब ढेर सारी तारीफें लूटें। देखिए मैं यहाँ काट के दिखाती हूँ कितना बढ़िया हमारा अंदर दिख रहा है ना दोस्तों चीज़।
चिकन के अंदर जो आपको बाहर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे नहीं मिलेंगे। तो फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, मैं ऐसे ढेर सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।